Hello everyone, I'm Vikrant and today we are doing a chapter from class 9th, okay? Class 9th CBSE, we are taking a chapter and the chapter number is 8 from the book Mormons, and the chapter we are doing today is A House is Not a Home, okay? The chapter we are doing is A House is Not a Home, okay? So what are we going to do in this chapter? We are going to know, इसमें बताया गया है जो कि इसका टाइटल है उससे हम क्या समझ में आता है, देखिए, a house is not a home, कि जो एक house होता है वो house तो होता है लेकिन वो कभी भी home नहीं हो सकता है, ठीक है? Home जो है वो उसको कौन बनाता है, उसको हम लोग बनाते हैं home, ठीक है? So that is what we are trying to say here, ठीक है? उसके बाद देखिए इसको लिखा किसने है, ये लिखा गया है by Zen Gaudioso. Zen Gaudioso जो है इसकी राइटर है, ये एक लेडी राइटर है, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टर्स, इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर एक बॉय है, एक मदर है, एक कैट है, ठीक है? एक लड़का है जिनकी कहानी Zen Gaudioso ने सुनाई है, उसके बाद उसके उस लड़के की माँ भी है इसके अंदर, और उसके बाद ये जो लड़का है इसके पास एक कैट होती है, पैट कैट, ठीक है? पैट एनिमल जैसे कि आपके पास हो सकता है डॉग हो, माउस हो और एनीथिंग, सो इसके पास क्या थी, कैट थी, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है हमारी, हम उसको देखेंगे। स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि स्टोरी में सबसे पहले जो लड़का है वो लड़का छोटा सा होता है, जब वो स्कूल जाता है पहले तो उसको कौन से स्कूल जाता है, वह जूनियर हाई स्कूल में जाता है, ठीक है? तो उसकी जब पढ़ाई होती है वहाँ पे पूरी हो जाती है, एंड नाउ ही हैज़ टू गो टू द अनदर स्कूल। अब उसको बड़े दूसरे स्कूल में जाना है, ठीक है? जैसे कि आप लोग अभी टेंथ में पढ़ रहे हैं, नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, तो टेंथ तक आप सेम स्कूल में पढ़ेंगे, मे बी लेटर ऑन इलेवन ट्वेल्थ यू नीड टू गो टू अनदर स्कूल। सो जस्ट लाइक दैट उसको दूसरे स्कूल में जाना था, उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो अब चेंज होने वाले थे, ठीक है? उसका पूरा स्कूल चेंज होने वाला था, उसकी स्ट्रीम चेंज होने वाली थी, क्योंकि उसके दूसरे फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में गए थे जो उसके फ्रेंड्स थे, और वो खुद दूसरे स्कूल में जाने वाला था, ठीक है? सो अब होता क्या है इसके अंदर, देखिए कि स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि संडे का दिन होता है, और संडे के दिन पे जो हमारा जो लड़का है वो क्या करता है स्टोरी के अंदर, संडे के दिन वो और उसकी मॉम दोनों चर्च जाते हैं, वो लोग क्रिश्चियन हैं तो वो लोग चर्च जाते हैं, चर्च जा करके आते हैं, आते ही वो क्या करता है अपने जूते उतारता है, जूते उतार करके सॉक्स पहने हुए होता है, बैठा रहता है अपनी डाइनिंग टेबल पे, बैठ करके वहाँ पे वो अपना होमवर्क करने लग जाता है स्कूल का, ठीक है? एंड देन उसकी जो एक कैट होती है वो कैट वहाँ पे आके उसके पास बैठ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालती है वहाँ पे, फुर बुर बुर करके आवाज़ निकालती है, ठीक है? जैसे कि आप नॉर्मली कभी देखेंगे कैट को पास है तो उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है? म्याओं के अलावा भी वो एक आवाज़ निकालती है। सो दैट इज़ वो वहाँ पे उसके पास में बैठी होती है, उसको परेशान कर रही होती है बार बार, उसके हाथ जब वो लिख रहा होता है तो उसको हाथ पे अपने पैरों से मारती है। अब फाइनली उसके साथ ये होता है कि उसको क्या करना है, उसको अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाना है, ठीक है? उसको हम जो इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, लड़का होता है वहाँ पे बैठा होता है, एंड देन सडनली उसको ध्यान उसको याद आता है कि कहीं से धुआं आ रहा है, ठीक है? वो जब लिख रहा होता है, लिखते लिखते सडनली उसको रूम में पूरा धुआं ही धुआं दिखता है, तो उसकी जो सीलिंग होती है उनके वहाँ पे एक चिमनी जल रही होती है, सर्दी का मौसम होता है, आग लगा करके वहाँ पे चिमनी में आग लग रही होती है, वो जल रही होती है, एंड देन वहाँ से सडनली धुआं निकलने लग जाता है, ठीक है? उसमें से धुआं जो ऊपर से जाता है और वो छत में पूरा भर जाता है, सीलिंग में भर जाता है, और उनके पूरा जो घर होता है सडनली वो पूरा आग पकड़ लेता है, ठीक है? वो फटाफट से भागता भागता घर के बाहर जाता है, और उसकी जो मॉम होती है वो भी उसके साथ घर से बाहर चली जाती है, लेकिन वो तो आगे आगे भाग जाता है और उसकी जो मॉम होती है वो पीछे पीछे आ रही होती है, देन सडनली वो मुड़ करके देखता है तो उसकी मॉम वापस से अंदर जा रही होती है, तो वो दौड़ने की कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन वो समझ जाता है कि मेरी मॉम जो है वो शायद से अंदर किस लिए जा रही है, कि मेरे फादर की जो पिक्चर्स हैं, उनके जो लेटर्स हैं, जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अंदर घर में रह गई है एक बॉक्स के अंदर, तो मेरी मॉम उस बॉक्स को लेने जा रही होगी, तो वो बॉक्स लेकर के बाहर आ जाती है, एंड देन अगेन शी गोज़ इनसाइड, वो दोबारा से वो भूल जाती है कुछ, तो वो वापस से लेने के लिए अंदर जाती है, एंड देन वो जाने दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया, तो वो कौन होता है, वो एक फायरमैन होता है, ठीक है? वो सोच रहा होता है फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए, लेकिन उसके पड़ोसियों ने पहले ही कर दिया होता है, तो पीछे फायरमैन उसको पकड़ लेता है, उसको नहीं जाने देता, देन वो देखता है कि सामने से जो कुछ फायरमैन होते हैं वो उसकी मॉम को लेकर के बाहर आ जाते हैं घर से, ठीक है? वो ठीक ठाक होती है, वो सही होती है, उसको कुछ नहीं होता है उनको, ठीक है? एंड देन वो दोनों उसकी मॉम उसके पास आती है, वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है, और उसको उस दिन रियलाइज होता है कि उसकी मॉम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड देन उनका जो घर होता है वो पूरा जल के राख हो जाता है, वो रात भर पूरी रात जलता रहता है उनका घर, ठीक है? और वो जो लोग होते हैं उनको घर में नहीं जाने देते हैं फायर ब्रिगेड वाले, एंड देन फिर वो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, उनके पास सिर्फ वो जो फायर ब्रिगेड वालों ने जो ब्लैंकेट दिए थे वो थे उड़ने के लिए, एंड देन वो वहाँ से
उसकी ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, लड़के की ग्रैंड पेरेंट्स के घर, ठीक है, वो रात भर वहीं पे रुकते हैं। अब दूसरे दिन मंडे होता है और उसको स्कूल जाना होता है, नया स्कूल, पहला दिन, और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसको अपने पुराने टीचर्स की भी याद आ रही थी, पहले भी उसके लिए बहुत बुरा था कि उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे वहाँ पे, टीचर्स भी नहीं थे, सब कुछ नया था। तो अब वो क्या करता है, वहाँ पे जाना होता है उसको, उसके पास कपड़े वही होते हैं जो उसने संडे को पहने थे, ठीक है, जब वो चर्च पहन के गया था, और वो जूते जो होता है वो अपनी एक आंटी से, जो उसकी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जो आंट रहती है, उनसे वो उधार ले लेता है जूते, उसको पहन करके जाता है, बहुत ही बुरा लग रहा होता है और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। ऐसे करके एक दिन दो दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल जा करके उसको जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स उसको एक दिन क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं उसको, कि वो जिम में जाने के लिए कपड़े पहन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है चेंजिंग रूम में, तो वो सब लोग उसको जो भी आता है वो बोलता है अरे जिम में जाओ, जिम में जाओ, जिम में जाओ, उसको जानबूझकर जिम में भेजते हैं। जब वो जिम में जाता है तो देखता है कि एक बड़ी सी टेबल लगी होती है, उस टेबल के ऊपर सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, कपड़े, बैग, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जूते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो लोग जो उसके स्कूल के जो सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब उसके लिए एक पैसे इकट्ठे करके लेकर के आते हैं, ठीक है। उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आकर के उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग आकर के उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, एंड वो लोग उसको अपने घर पर खाने के लिए भी इन्वाइट करते हैं, ठीक है। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था, उसको बहुत ही अजीब लग रहा था कि कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा। अब फाइनली वहाँ से उसके कुछ फ्रेंड्स बने, उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, और जो प्रॉमिस उसके टीचर्स ने, पुराने टीचर्स ने उसको करवाया था कि चाहे तुम्हें वो स्कूल अच्छा लगने लग जाए लेकिन तुम हमें मिलने ज़रूर आना, ठीक है, और हमें आकर के बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हें अच्छा लग रहा है वो स्कूल। तो वो क्या करता है, अपने टीचर्स को भी विजिट करता है टाइम टू टाइम, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड देन उनका जो घर होता है वो रिबिल्ट होने लग जाता है, उनका घर दोबारा से बनने लग जाता है, ठीक है, और वो डेली जाता है जाकर के अपने घर को देखता है बनते हुए स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर के सामने बैठा होता है, एक जो ट्रेन की जो पटरी होती है, उसके जो पटरी जो होती है वो घर बनाने में भी यूज़ की जाती है, वो रखी होती है सामने, वहाँ पे बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, दो दोस्तों के साथ, और वहाँ पे बैठ करके घर को देख रहा होता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मेरा घर वापस बन रहा है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं वापस से, नए दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी ज़िंदगी वापस से ट्रैक पर आ रही है, स्कूल भी अच्छा लगने लगा है। तभी बस वो सोचता है कि यार बस एक ही चीज़ बुरी हो गई, कि वो जो उसकी कैट थी जो उसको परेशान कर रही थी, वो उस दिन आग के बाद उसको मिली ही नहीं दोबारा, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ पे चली गई उस आग के मारे, डर के मारे वो वहाँ से, या तो वो जल गई, उसको तो यही लग रहा था कि मेरी बिल्ली मर गई, काश वो भी यहाँ होती। लेकिन तभी वहाँ से पीछे से एक लेडी आती है और आकर के बोलती है हेलो, वो बोलता है जी बोलिए, कि क्या ये कैट आपकी है, तो बोलता है, वो जैसे ही देखता है तो अपनी कैट को पहचान लेता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुशी से उछकने लगता है, और वो अपनी कैट को अपने पास उठा लेता है, और उठा करके अपनी कैट को क्या करता है, लेकर के गोदी में ले लेता है, ठीक है, उसको यूं ऐसे पकड़ लेता है पास में, एंड देन उस लेडी को बहुत सारे थैंक यू कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कैट को वापस ला दिया। फिर वो उसको बताती है कि ये डर के मारे यहाँ से इतनी दूर, 3-4 किलोमीटर दूर मेरा जहाँ पे घर है वहाँ तक ये दौड़ती दौड़ती डर के मारे चली गई थी, और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा घर ढूंढने का, लेकिन जैसे कि फ़ोन लाइन भी डेड थी, सब कुछ डेड था, तो वो कैसे ढूंढ पाती। हालांकि उसकी जो बिल्ली थी उसके गले में उसका नंबर था, फ़ोन नंबर लटका हुआ था, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब कुछ तो जल ही चुका था। सो फाइनली उसने उसको ढूंढा, उसको उसको बिल्ली दे दी, एंड फाइनली जो राइट जो हमारा जो बॉय है उसको लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो वापस से पॉजिटिव हो गई है, सब कुछ ट्रैक पर आ गया है, ठीक है, सब कुछ सही हो गया है। कैसे सही हो गया है, जैसे कि उसने सारी चीज़ें जो भी उसकी लाइफ में थी, उसका स्कूल सही हो गया था, उसको फ्रेंड्स मिल गए थे, अब वो अकेला नहीं था, उसकी बिल्ली भी उसको वापस मिल गई थी, तो इस तरीके से उसकी जो लाइफ थी वो वापस से बैक टू नॉर्मल आ गई थी। इसी तरीके से हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें उसमें धीरज रखना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करके हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और एक अच्छा समय वापस से आ सकता है हमारी लाइफ में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड विद दिस स्टोरी, गॉट इट, थैंक यू सो मच, एन्जॉय दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स इन द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट, हेल्प देम ऑल्सो लर्न दिस चैप्टर, एन्जॉय दिस, थैंक यू।